बहू, मैं इस घर की मुख्यमंत्री हूँ और तुम्हारे ससुर उप मुख्यमंत्री, तुम्हारा पति कैबिनेट मंत्री और तुम्हारी ननद सलाहकार। अब तुम बताओ, तुम कौन सा पद संभालोगी? मैं तो विपक्ष में बैठूंगी माँ जी, और आपकी सरकार चलने नहीं दूंगी। तेरे सिवा किसी को देखा नहीं हमने, सूख गया गुलाब फिर भी फेंका नहीं हमने। है सही माल पटा के लाए अमेरिका से है? हराम खोर, भाभी होते हैं। अगर मेरी औलाद मेरे जैसी निकली तो भाई गॉड, मैंने तो बर्बाद हो जाना है। क्या वजह बताऊं तुम्हें चाहने की, बस तुम अच्छे लगे और इश्क हो गया। ससुराल में इनके गले से चुन्नी नहीं उतरती और मायके में देखो कच्चा पहन के घूम रही है। गद्दारों का इलाका था और हम रिश्ते निभा रहे थे। खूबसूरत लोग इतना बिजी क्यों रहते हैं? आप सोचिए, मैं जरा बिजी हूँ। ये घोड़ा है घोड़ा, बड़े बड़े जिंदगी के रेस हार जाते हैं इसके सामने। इसकी लगाम इसके हाथ में। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? किया! क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? किया! क्या उसने पलट के तुमसे प्यार किया? यार मैं भी अपने दादाजी की तरह एक्टर बनना चाहता हूँ। क्यों, तेरे दादाजी एक्टर थे? नहीं, वो भी बनना चाहते थे। फिर से खोना नहीं है तुम्हें, इसलिए पाने की जिद भी नहीं करता। लोगों से सुनोगे तो हमें बुरा ही पाओगे, हमसे मिलोगे तो मुस्कुराते हुए जाओगे। मेरा ये मानना है कि अगर लड़की से गलती हो जाए ना तो कसूर गलती का होता है, लड़की का नहीं। तुमने देखा है सिर्फ आंखों को, तुमने आंखों में नहीं देखा, दिखा कुछ। डॉक्टर ने फीकी चाय पीने के लिए बोला है। मैं अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, यह है चाय और यह है लड्डू, इसको खा के चाय पीना फीकी ही लगेगी। हिम्मत नहीं है अब बहस करने की, जैसा तुम कहो वैसा ही ठीक है। बॉयफ्रेंड अपना हो या पराया, सबसे प्यार करो, इतनी सी तो जिंदगी है, क्या अपना क्या पराया।